सो फ्रेंड्स, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब मैं स्टॉक मार्केट में नया नया आया था, तो मुझे जो मार्केट में लेकर के आया था मेरा फ्रेंड जो था, वो एक एडवाइज़र था। वो फ़ोन पर कॉल पुट देता रहता था। तो मैंने उससे पूछा कि भाई क्या है, मुझे भी बता कैसे क्या काम करते हैं इसके अंदर। तो उसने मेरा डीमैट अकाउंट खुलवाया और उसने मुझे बोला कि इसमें तुम जो है 10,000 रुपये ऐड कर लो। तो मैंने ऐड कर लिए 10,000 रुपये। और फिर उसने मुझे कुछ कॉल दी थी बैंक निफ्टी की, वो मैंने बाय कर ली। जैसे फ्रेंड्स मैंने उसको बाय किया, बाय करते ही मुझे उसमें लॉस दिखाना शुरू हो गया। सो मैंने उसको कहा कि इसमें लॉस हो रहा है, तो उसने कहा डोंट वरी, थोड़ा वेट करो, वापस ऊपर आ जाएगा तो प्रॉफिट हो जाएगा, अभी कुछ मत करो, होल्ड करो उसको। सो मैंने उसको 3 बजे तक होल्ड किया, एंड 3 बजे तक होल्ड किया तो प्रॉफिट तो कुछ हुआ नहीं, बस लॉस ही लॉस दिख रहा था। बस थोड़ा सा लॉस कम होता था, फिर लॉस बढ़ जाता था, फिर लॉस कम हो जाता था, यही चलता गया चलता गया। तो मैंने उसको कहा कि ये तो लॉस में जा रहा है, तो उसने कहा इसको आप ओवरनाइट पर डाल दो, इसको आप होल्ड कर लो। तो ठीक है, मुझे तो ज़्यादा नॉलेज था भी नहीं, उसको जो वो जो बोल रहा था मैं उसको फॉलो कर रहा था। उसने कहा ओवरनाइट पर डालो, मैंने ठीक है ओवरनाइट पर डाला। अगले दिन देखा तो मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया, तो जो लॉस था, जो मेरा जो टोटल कैपिटल मैंने यूज़ किया था उस ट्रेड में 10,000, वो डायरेक्ट 50% डाउन हो गया और 5,000 हो गया। तो फ्रेंड जब मेरा कैपिटल 5,000 रुपये हो गया, तो मैंने उसको कहा कि भाई अब क्या करना है, अब क्या मैं इसको कट कर दूँ? तो उसने बोला कि नहीं कट मत करो, इसको आप थोड़ा वेट करो, आपको प्रॉफिट हो जाएगा, आप वेट करो। तो ठीक है भाई, मैं उसके कहने पे होल्ड करते जा रहा था करते जा रहा था। ऐसे करते करते उसने मुझे एक्सपायरी तक उसको होल्ड कर पाया, और एक्सपायरी वाले दिन जो उसकी जो प्रीमियम थी वो पूरी ज़ीरो हो गई। हाँ, पूरा जो कैपिटल था वो पूरा ज़ीरो हो गया। और उसके बाद फिर जब मैंने उसको कॉल करने की कोशिश की, तो उसने मेरा फ़ोन ही नहीं उठाया। सो फ्रेंड्स, ये जो स्टोरी मैंने जो अब आपको बताई अपनी, ये सिर्फ मेरी स्टोरी नहीं है, ये लाखों लोगों की स्टोरी है कि किस तरह से ये जो एडवाइजर्स लोग हैं कॉल देते हैं और आपको होल्ड करवाते हैं, होल्ड करवाते हैं, होल्ड करवाते हैं, और आपका लॉस करवा देते हैं। नहीं तो वो छोटे से लॉस में समझ गया था, बट मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिन्होंने लाखों रुपए का लॉस किया है इन एडवाइज़रों के बहकावे में आके। सो फ्रेंड्स, मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि इस तरह का कोई भी कॉल आपके पास आता है अननोन नंबर का, या कोई पहचान वाला भी आपको इस तरीके की एडवाइजरी देता है, तो आप उससे बचें, उससे पूछें आपके स्टॉप लॉस क्या रहेगा। ये जो फ्रॉड लोग होते हैं ना, ये कभी भी स्टॉप लॉस नहीं बताते हैं, उनकी पहचान होती है। ये बोलते हैं कि हम बोल रहे हैं बढ़ेगा, आप होल्ड कीजिए, हम आपका प्रॉफिट करवाएंगे, 100% उसकी गारंटी ले लेते हैं। जो कि गारंटी तो बड़े बड़े ट्रेडर्स भी नहीं लेते हैं ट्रेड की, बट ये लोग उसकी गारंटी ले लेते हैं कि ट्रेड यहाँ से ऊपर जाएगी, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, और उसके ऊपर हमारा पैसा पूरा लगा देते हैं सिर्फ इनके थोड़े से फायदे के लिए। सो फ्रेंड्स, किसी की एडवाइजरी ना लें, खुद ही सीखने की कोशिश करें, खुद मेहनत करें, मार्केट में टाइम दें, एक्सपीरियंस लें, एंड छोटे से कैपिटल के साथ शुरू करें। उसके में भी अपना एक स्टॉप लॉस लेकर के चलें, छोटे छोटे कैलकुलेटेड रिस्क लें, एंड लंबे टाइम तक प्रैक्टिस करें। तो इन सब चीज़ों से आपको जो एक्सपीरियंस होगा, उससे आप धीरे धीरे करके और जो है प्रॉफिटेबल हो पाओगे। बाकी अगर आपको लगता है किसी के बताने से, किसी की कॉल लेने से कोई आपका प्रॉफिट करवा देगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि अगर उसको आता होता वाकई में काम करना, तो वो आपको नहीं देता कॉल, वो अपना खुद का प्रॉफिट करता सबसे पहले। इसलिए खुद अपना नहीं कर पाते और आपका करवाने की बात करते हैं। तो इस तरीके के फ्रॉड जो बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, सो मैं चाहूँगा कि आप इसके चक्कर में ना पड़ें। और जो भी ट्रेडर आपको जो कोई कॉल दे रहा है, अगर वो स्टॉप लॉस नहीं बता रहा आपको, तो इसका मतलब श्योर है कि वो फ्रॉड है। तो
तो अपना कैपिटल बचाएं ऐसे फ्रॉड लोगों से, ऐसे लोगों के बहकावे में ना आए, मेहनत करें, टाइम दें, एंड मैं भी आपकी हेल्प करूंगा वीडियोस डाल के। सो आज का वीडियो में इसी बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए था बस। थैंक यू वीडियो को पूरा देखने के लिए।